हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली के यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं शैली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपने आई थिंक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और वीडियो आप देख रहे होंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ताकि ये बच्चों के पास, नेटेड बच्चों के पास ये वीडियोस पहुँच सकें और वो उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। तो आज एक और क्लास एट्थ में आता है ये हमारा टॉपिक, क्लास एट्थ में। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो एट्थ के हों, सिक्स टू टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। टॉपिक इज द एडोलसेंस। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो क्या है, एडोलसेंस। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में। यस, ये हमारी सब्सक्रिप्शन की वीडियो है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, चलिए यस, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एडोलेसेंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, एडोलेसेंस क्या होता है, ठीक है, और प्यूबर्टी क्या होती है, आपको ये देखने को मिल रही होगी क्लास सिक्स से ऑनवर्ड्स वाले बच्चों को। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें कंटिन्यूसली क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस किस तरीके के आ रहे होंगे, अब आप देखना जो मैं बता रही हूँ क्या इसी तरीके के आ रहे हैं। सबसे पहला जो चेंज आप अपने अंदर देख रहे होंगे, दैट इज इन द फिजिकल चेंज। किस में आ रहा होगा, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगी, आपकी बॉडी से रिलेटेड होगा, मतलब आपकी बॉडी में चेंज आ रहा होगा। ठीक है, बॉडी चेंज। दूसरा आपने नोटिस किया होगा, इमोशनल चेंज। ठीक है, इमोशनल चेंज। इमोशनल चेंज में क्या होते हैं, आपकी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स सारी, आपका मूड आता है। ठीक है, तीसरा आपने नोटिस किया होगा, अब कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में आता है बच्चों दिमाग से रिलेटेड। ठीक है, माइंड, कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा काम करने लग गया है। पहले के मुताबिक आपका जो ब्रेन है वो और अच्छे से, आप और बेहतरीन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्या आपको ये तीनों चेंजेस नजर आ रहे हैं, अब चलो इनको देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बॉडी में काफी चेंजेस आ रहे होंगे, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इमोशनल चेंजेस का मतलब फीलिंग्स, एकदम से आपको गुस्सा आना, एकदम से क्या होना कि खुशी का मन करना, एकदम से रोने का मन करना, तो इस तरीके से इमोशनल चेंज होना, ये आपके अंदर चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, फ्रेंड्स को देख लिया तो बहुत खुश हो जाना, फिर घर में अंदर आ गए तो ओहो हम यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, इस तरीके का जो हमारे अंदर थिंकिंग है वो डेवलप हो रही होगी इस टाइम पे। ठीक है, हमारा मूड स्विंग होना, मूड एकदम से खुश हैं हम, चलो ठीक है भैया अच्छी से बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही एकदम से गुस्सा आ गया हम लोगों को, तो ये सारे चेंजेस क्या है, हमारे अंदर एडोलेसेंस की एज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। एडोलेसेंस का मतलब एक और चीज इसको बोल देते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, बीच की स्टेट होती है, जहां पर आप लोग ना तो बच्चे रह जाते हैं, ठीक है, ना तो आप छोटे बच्चे रह जाते हैं और ना ही आप अभी बड़े हुए हैं ढंग से। ठीक है, तो इसकी जो बीच का जो ये आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, और वो क्या कहलाता है, आपका एडोलेसेंस कहलाता है। ठीक है, वो जनरली आपके क्लास सिक्स सेवन से स्टार्ट होकर आपके 10th 11th 12th तक पहुंचता है। ठीक है, इसकी जो एज होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आप लोग जो, ये आप लोगों के साथ हो रहा है, ये किसके कारण होता है, हमारी जो बॉडी है ना उसके अंदर बच्चों क्या है, हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, देयर आर सेवरल चेंजेस अकर ड्यू टू द हार्मोनल चेंज। ठीक है, हार्मोनल जो है, हमारी जो बॉडी के हॉर्मोन्स हैं वो क्या है, सिक्रीट होना स्टार्ट होते हैं, और हमारी बॉडी में उन हॉर्मोन के कारण ही ये सब चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये आपका नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये जो एज चल रही है, इस एज में ये सारे चेंजेस आना बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है, और ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। बस इसमें हमें जरूरत क्या होती है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की। ठीक है, तो ये हमारे हॉर्मोनल चेंजेस हैं जिसके कारण ये तीनों, फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव चेंज हमारी बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, अब देखते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होता है। जनरली ये हर एक बच्चे में वेरी करता है, किसी के साथ 10 ईयर से स्टार्ट होने लगता है, ठीक है, और किसी के साथ 11, 12, 13 तक। ठीक है, तो हम इसकी जो एज लेके चलते हैं,
ये जो एज है एडोलेसेंस पीरियड हमारा कब से स्टार्ट होने लगता है, ये 10 ईयर से लेके लगभग लगभग 18 ईयर तक चलता है ये टाइम पीरियड। ठीक है, 10 है ये, 10 ईयर से लेके 18 ईयर तक, और इन्हीं सालों में बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। तो चलिए एक बार मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अपनी डेफिनेशन से देखते हैं। एडोलेसेंस क्या है? इट इज द पीरियड ऑफ लाइफ, ये जीवन का वो पीरियड है बिटवीन 11 ईयर एंड 19 ईयर तक। ठीक है, मैम ने आपको 10 से 18 बताया, ये वेरी भी कर सकता है कि कई बच्चे जल्दी से बड़े होने लगते हैं और कईयों का जो ग्रोथ पीरियड है वो थोड़ा स्लो डाउन होता है। व्हेन द बॉडी अंडरगो द चेंजेस, जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये अचानक से हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है, लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, अब हम मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम बच्चे नहीं रह गए हैं। मैंने बताया आपको कि आप बच्चेपन से हटते जा रहे हैं और बड़े की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कि चाइल्ड जो चाइल्ड स्टेज थी आपकी वो तो खत्म होती जा रही है और किसकी तरफ मूव कर रहे हैं आप, एक बड़ेपन की तरफ। ठीक है, मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है कि ना तो अभी आप पूरे बच्चे ही रह गए हैं ना पूरे अभी आप बड़े हुए हैं। तो इस एज में हमें काफी संभल के रहना चाहिए, लेकिन हमें कभी रहेंगे जब हमें इनके बारे में सब चीजें पता होंगी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वी आर कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिस तरीके से बड़े, आपको पता है बड़ों में रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, दे प्रोड्यूस द यंग वंस। ठीक है, जो बच्चों को पैदा करते हैं, इस तरीके से मैच्योरिटी की तरफ हम लोग मूव कर रहे होते हैं और इसी पीरियड को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं। कहाँ से, बिटवीन द एज ऑफ 11 टू 19 ईयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड द एडोलेसेंट, ये तो उनको ये बोला जाता है, या एक टर्म और यूज की जाती है, इनको टीनेजर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड एडोलेसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड द टीनेजर्स, पूछ लिया जाता है कि ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं। ठीक है, आपने बोर्ड कई बार लगा देखा होगा ना, टीनेजर्स आर नॉट अलाउड, तो वो इसी एज ग्रुप के बंदे होते हैं। ठीक है, चलिए प्यूबर्टी क्या है, अब प्यूबर्टी को समझते हैं। प्यूबर्टी एक ये ऐसा पीरियड है, ठीक है, जहां पर हमारी बॉडी के अंदर चेंज आते हैं और जो हमारी बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए स्टार्ट होना और प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगो द सर्वल चेंजेस, बहुत से चेंजेस आते हैं दैट बिकम द कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन के हम लायक होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी प्रिपरेशन करना शुरू करने लगती है रिप्रोडक्शन के लिए। दीज चेंजेस और बिगनिंग ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है, और यही चेंजेस क्या शो करते हैं कि हम प्यूबर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब मैच्यूरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मैच्यूरेशन का मतलब हम लोग बड़े हो रहे हैं। ठीक है, चलिए यस, अब हमने, मैंने आपको बताया था हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके कारण ये सारे चेंज बॉडी में हमारे हो रहे हैं। ठीक है, कैसे, देखो पहले एक ऐसा छोटा सा बच्चा लगता था, अब क्या हो गया, इसके देखो दाढ़ी मूछ निकलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो अभी ये सोच रहा है कि अचानक से मेरे ये जो बॉडी है इस पे हुआ क्या। जैसे गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उनके चेहरे पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं जब बड़ी होती हैं। ठीक है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये हॉर्मोनल चेंज होते हैं जो सभी के साथ होते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की इसमें जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब पहले जो चेंजेस होते हैं हम लेंगे अपने प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं अब वो हमें इसमें देखना है। मेल मतलब बॉयज में क्या क्या आते हैं, प्राइमरी में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, आप टेस्टिस पेनिस इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके ग्रोथ ऑफ चेस्ट हेयर्स, चेस्ट पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, अंडर आर्म में चेस्ट हेयर आने शुरू हो जाते हैं, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पर्म स्टार्ट टू प्रोड्यूस, स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज के अंदर। ठीक है, और जो सिक्रीशन है रिलीज फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्रेन वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा सेकेंडरी करेक्टर में वॉइस जो है आपकी आवाज भारी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लेरनिक्स। ठीक है, जो हमारे गले का जो वॉइस बॉक्स बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, जिसको एडम एप्पल है वॉइस बॉक्स है, वो भी उसमें भी क्या है, हमारी जो आवाज है लड़कों की वो भारी होना शुरू हो जाती है। एकदम से देखते हो ना कि अभी फिफ्थ क्लास में तो खूब अच्छा बोल रहा था, सिक्स सेवन्थ में आती है एकदम से आवाज जो है वो उसकी चेंज हो जाती है, तो वो किसके कारण होती है, हमारी किसके कारण होती है, हार्मोन चेंज के कारण होती है। ठीक है, हेयर्स आना, आपकी मॉस्चल वगैरह आना, मूंछ दाढ़ी वगैरह आना बच्चों में स्टार्ट हो जाना लड़कों में, तो ये किसका कारण है, हार्मोनल चेंज का।
गर्ल्स में इसी तरीके से, जिस तरीके से बॉयज में प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर चेंज हो रहे थे और सेकेंडरी, इसी तरीके से फीमेल में होते हैं। फीमेल में ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, उनकी मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और जो यूट्रस और वेजाइना है वो भी थोड़ा सा ग्रो करने लगता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में क्या आते हैं, उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, ग्रोथ ऑफ द अंडर आर्म, इनके भी अंडर आर्म और प्यूबिक पार्ट पे हेयर ग्रो करने लग जाते हैं, बॉडी चेंज, हिप वाइडन, जो हिप पोर्शन होता है फीमेल में वो बड़ा होने लगता है और जो वेस्ट है वो नैरो होने लगती है, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं प्राइमरी और सेक्सुअल करेक्टर जो हमें पता होनी चाहिए। एक बार डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं हम लोग इनको। यस, देखिए जो गर्ल्स हैं इनके क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसका इनलार्जमेंट ऑफ, यहाँ जो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये इसका, यहाँ पर ये यूट्रस है, ये जो मैम बना रही है ग्रीन से, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। और देखो ये आपकी ओवरी है, ये जो गोल गोल दिख रही है ना, ये ओवरी है, ये ओवरी क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है और दे सिक्रीट द एग, ये हर महीने एग रिलीज करती है, ठीक है। ये एग क्या करता है, आपका फर्टिलाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। अगर इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती एग की, तो ये हमारे यूट्रस में क्या है, एक ब्लड की जो वॉल है वो बना लेता है, ठीक है, और ये ब्लड की जो वॉल है वो हमारे वेजाइना से हर मंथली डिस्चार्ज होती है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारी जो ओवरी है ना, वो दे स्टार्ट रिलीजिंग द एग, एग स्टार्ट कर देती है। ये लगभग ये भी फीमेल्स, लड़कियों में ज्यादातर आपका 11 से लेके 13 या 14 ईयर तक ये स्टार्ट हो जाता है। ये भी डिपेंड करता है, सारी गर्ल्स में अलग अलग होता है, किसी को 11 में स्टार्ट हो जाते हैं रिलीज होना एग, किसी को 12 ईयर में, किसी को 13 में, ठीक है। तो मेंसुरेशन साइकिल क्या है, एक इंडिकेशन है कि जो लड़की है वो अब बड़ी होना स्टार्ट हो गई है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स में। इसी तरीके से बॉयज में देखो, इनके फेशियल पे बाल आना, अंडर आर्म में बाल आना, ठीक है, प्यूबिक ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ टेस्टिस और ग्रोथ ऑफ इजेक्टिकुलर डक्ट, ये सारी चीजें बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, मतलब सब चीजों से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड वी मूव टू द प्यूबर्टी, मतलब मैच्योरेशन की तरफ, बड़े होने की तरफ हम लगातार बढ़ते जाते हैं। चलिए अब कुछ चेंजेस देखते हैं एडोलेसेंस में, इमोशनल चेंजेस, देखो साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंज, वो तो हमने फिजिकल चेंज पढ़ ली है उसमें, अब इसमें पढ़ेंगे कि हम साइकोलॉजिकल, हमारा दिमाग कैसे घूमता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, क्लास में आप बैठे होगे ना, तो आप है ना अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बैठना पसंद करोगे, ठीक है, एज कंपेयर टू योर पेरेंट्स, पता है। आप क्या सोचोगे, मेरा सबसे अच्छा जो सबसे अच्छा जो मेरा सलाहकार है या जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ वो कौन है, मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। माँ बाप से तो आप बातें छुपाओगे लेकिन फ्रेंड को सारी बात बताओगे, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस स्टेज में, क्यों, क्योंकि अभी आप ऐसी स्टेज में है, एडोलेसेंस ऐसी स्टेज है बच्चा, कि जहां पर आप बहुत कंफ्यूज होगे, आपको एग्जैक्ट सही और गलत में अंतर करना नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला जो एक सजेशन है आपके लिए कि आप अपने पेरेंट्स को सारी बात बताइए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये जो स्टेज है आपकी वो काफी कंफ्यूजन की है और आपके जो फ्रेंड्स हैं सबके साथ अलग अलग चीजें हो रही होंगी, वो आपको बताएंगे, आपका दिमाग जो है कंफ्यूजन में आएगा, तो आपको पेरेंट्स से इसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए, ठीक है। मूड स्विंग, जैसे एकदम से खुश मैंने बताया, एकदम से रोने लग जाओगे, अरे यार मेरे आज फ्रेंड ने बात नहीं करी, आज उसका फोन नहीं आया, आज उसने ये कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मूड स्विंग होना, इनसिक्योरिटी फील करना कि यार मैं अकेला हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, फियर, डर लगना, डाउट्स रहना दिमाग में, ठीक है, कि मतलब ये चीज हम देख तो रहे हैं लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है, तो वो दिमाग जो है आप लोगों का उसी चीज को खोजने में लगा रहेगा। बिहेवियर एक्सप्रेशन इमोशन विच दे इंक्लूड द विड्रॉन, हॉस्टिलिटी, इम्पल्सिवनेस, नॉन कॉर्पोरेशन, ठीक है, किसी को मतलब सहारा ना देना, अपने आप में दुखी रहना, ये सारे क्या है, इंडिकेशन है। सेल्फ सेंटर, अपने आप में ही रहना, ठीक है, मतलब अपने आप में ही रहने का मतलब कि भाई मैं ही हूँ, अब तो एक बोलते हो ना जब मम्मी कहती है अरे ये काम मत कर तू अभी छोटा है, कि नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की फीलिंग रहना, और कहीं जा रहे हैं तो 10 बार मुंह को धोना, शीशे के आगे खड़े रहना, बालों को बार बार बनाना और देखते रहना कि भाई मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, और कहीं जा रहे हैं तो सब हमें देखें, ये सब चीजें जो है आपकी एक कंटिन्यूटी दिमाग में आती रहती है, और ये सब किसके कारण हो रहा है, हॉर्मोन चेंज के कारण।
फीलिंग भी द मिसअंडरस्टूड और रिजेक्शन, ठीक है। मिसअंडरस्टूड बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, इसलिए हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए अपने पेरेंट्स से हर बात बतानी चाहिए, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग सेल्फ स्टीम, अभी लगेगा हम बहुत अच्छे हैं, फिर लगेगा अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह की फीलिंग आना। इंटरेस्ट इन द फिजिकल चेंज जो हो रहे हैं उनको सही से, मतलब उसमें इंटरेस्ट होना। आपकी शेविंग आनी बॉयज में शुरू हो रही है तो उसको सही से बना के रखना। गर्ल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें बनने का शौक होना कि भाई बाल अच्छे से बनाने हैं, बड़े हो रहे हैं तो हमें मुंह धोना है, ये सब चीजें क्या है स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सेक्स सेक्सुअलिटी, अब क्या होगा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो बॉयज हैं वो मोस्टली फ्रेंड्स किसके हैं होते हैं, गर्ल्स से ज्यादा बात करना पसंद करेंगे इस एज में, ठीक है। और जो गर्ल्स होंगी वो किससे बात करना पसंद करती हैं, बॉयज से। तो ये जो अट्रैक्शन है अपोजिट सेक्स का, ये भी इस एज में होता है, लेकिन हमें क्या है एक लिमिट तक और सब चीजें जाननी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक चीजें सही हैं, तभी हमें इसके बारे में काम करना चाहिए। कंसर्न अबाउट द सेक्सुअल आइडेंटिटी, के मतलब आइडेंटिटी का मतलब डिसीजन मेकिंग एंड द रेपुटेशन, ठीक है। कि हमें पता होना चाहिए कि हम बॉयज हैं तो हमारी क्या लिमिट है, गर्ल्स को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें कब पता होंगी, जब हम उन्हें बताएंगे, क्योंकि उनकी तो एज ही ऐसी है ना कि ये कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। ए नीड टू द फील ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि अपने में ही रहना, कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है, ठीक है, इस तरीके से रहना। इंडिपेंडेंट कि नहीं मैं ये काम कर लूंगा, पेरेंट्स को बोलते हैं ना नहीं आप छोड़ो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स और पीयर्स, पीयर्स होते हैं आपके फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें आप ज्यादा रहना पसंद करोगे, घूमना फिरना अपने फ्रेंड के साथ, उनसे बातचीत करना, ठीक है। तो आपको लगेगा मेरा फ्रेंड ही सर्वोपरि है, ठीक है, मतलब मेरे दुख सुख का अब इससे ज्यादा मेरा कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें इस एज में रहती हैं। पेरेंट्स को आप बातें नहीं बताएंगे, ठीक है, पेरेंट्स को सोचेंगे अरे यार ये तो टोका टाकी करते रहते हैं, लेकिन वो इसीलिए टोकते हैं क्योंकि आपकी उस टाइम एज ऐसी है, ठीक है, ताकि आप कोई गलत काम ना कर लें, इसलिए वो टोका टाकी आपको समझाते रहते हैं। वो टोकना नहीं होता, वो आपको समझाना होता है। रिलेशनशिप विद द पेरेंट जनरली रिमेन पॉजिटिव रहते हैं। द रोल ऑफ पीयर्स, जो पीयर्स मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं उनका ज्यादा बढ़ जाता है और पीयर्स ही इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं, ठीक है। टीनेजर हैव मोर फ्रेंड देन द यंगर एज, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड बढ़ने लगते हैं। अब जैसे आपका फ्रेंड है उसके जो फ्रेंड होंगे वो भी आपके फ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है। दे यूजली हैव वन और टू बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके साथ, और ज्यादा गुड फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। दे स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम विद फ्रेंड, से बातें करना, ठीक है, फोन पे टेस्टिंग ये सब करना। टीनेजर हैव देयर फ्रेंड यूजली द सेम एज, अपनी ही एज के होते हैं, अपनी ही जाति के और अपने ही सेक्स के होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, गर्ल्स जो है वो गर्ल्स को ज्यादा बताना पसंद करेंगी, लेकिन बातें किसके बारे में, बॉयज के बारे में करेंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें एज में होती हैं, लेकिन हमें क्या है एक जानकारी, एक लिमिट हमें पता होनी चाहिए हम कि हम लोगों का जो पीरियड है वो काफी जो है एक बोलते हैं ना एक काफी नाजुक पीरियड होता है, जिसमें बच्चे को अपनी सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमें इस पीरियड में हम रिप्रोडक्शन के लायक होंगे, कि हमें कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं, ठीक है। तो वो पेरेंट्स से आप बैठ के बात करेंगे, वो लगातार आपको इस बारे में समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब हेल्दी टिप्स। अब आप बड़े हो रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जो डाइट है, जब आपकी बॉडी जो है ग्रोथ कर रही है, मैक्सिमम ग्रोथ आपकी जो बॉडी है वो इस पीरियड में आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको बैलेंस डाइट चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो बॉडी है उसको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल सके, फूड और न्यूट्रिएंट मिल सके, और ताकि आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके। जो ग्रोथ पीरियड आपकी बॉडी में अब स्टार्ट हुआ है वो अच्छे से होगा कब, जब आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का मतलब जो गर्ल्स हैं उनमें मेंसुरेशन साइकिल होती है, तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है, रेगुलरली अपने पैड्स वगैरह चेंज करने हैं, ये सब चीजें। बॉयज क्या है उन्हें भी अपने क्या है ध्यान रखना है, फेस को वॉश करना है लगातार, ठीक है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि इस उम्र में क्या होता है बच्चा, कि जो बच्चे होते हैं ना वो जनरली क्या है किसमें देखते हैं कि भाई ये एक लड़का है, क्या है स्मोकिंग कर रहा है, तो उनके मन में क्या होता है, उसे देख के ही होता है यार इसमें ऐसा क्या है जो मतलब मैं भी करके देखूं उसको, तो केवल इस करेजियस के कारण ही ये स्मोकिंग को स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल यूज में कई बार गलत संगत में बच्चे पड़ जाते हैं, 10th क्लास के बच्चे स्मोकिंग, 11th 12th के बच्चे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो किसी के कारण होता है ताकि उनको नॉलेज नहीं होती, ठीक है। और वो क्या है अपने फ्रेंड सर्कल का मतलब
कि जो इधर उधर लोगों को देखते हैं, बड़े लोगों को ये सब करता देखते हैं, तो उनके अंदर भी एक उत्साह करेजियस सी रहती है भावना कि भाई ये क्या है, इसे मैं भी करके देखूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, स्पेशली इन एडोलेसेंस पीरियड में। तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी से ये स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी एक हैबिचुअल बन जाएगी जो आपका पूरा जो फ्यूचर है इसको खराब कर देगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको पता है रेस वगैरह आजकल बहुत चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी ध्यान रखनी है अपने इस ट्रांजिशन पीरियड में। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा, योगा एक्सरसाइज करनी है आपको। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रहे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं हमारा एडोलेसेंस का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और कुछ अच्छा आपको पता चला होगा अपनी बॉडी के बारे में। तो आप सबसे पहला इसमें यही है, आप हेल्दी फूड खाइए, पेरेंट्स से बातें शेयर कीजिए, फ्रेंडशिप में रहिए, लेकिन उन एक लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि गर्ल्स के साथ मुझे कैसे बात करनी है और बॉयज़ के साथ कैसे बात करनी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।